डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने को लेकर भाजपा चुप। जहां पंजाब में भाजपा की तरफ से 27 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए लोगों को केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे, वहीं जब हमारी टीम ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बारे में जिला प्रधान फिरोजपुर सुरेंद्र सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रधान बना हूँ, बैठ कर बाद में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बारे में बात करेंगे। कचहरी के जाना है, लोगों के नाल जुड़ना है, लोगों को आपकी प्राप्तियां दसनिया है, पर जे गल करिए कोरोना वायरस की महामारी के लोगों की कचहरी के किदा खड़े हो जाओगे कि जिते भाजपा ने ही कांग्रेस के टाइम के उपर रोस प्रदर्शन किया, धरने प्रदर्शन किए थे जो पेट्रोल ते डीजल दी कीमत वधिया सीगिया। अज जे जिला लैवल की मैं गल करा तो जिला लैवल के उपर भाजपा की सोचती हैगी है, क्योंकि अज जो डीजल का रेट पेट्रोल का भी अगर निकल गया, पहली बार इतिहास के इतिहास रचा गया, इसको तुम किए देखते हो? चलो ये बारे मैं थोड़े न बाद गल करा जी, अज सिर्फ मैं रैली के संबंध में मैं गल करा थोड़े जी। मैं सारे रैली के संबंध ही गल कर रहा, मैं भी तुम आपके मुद्दे लैके ही लोगों तक लैके जाने हैं, तो लोगों तक ये मुद्दा भी जोड़ा है काफ़ी व्डा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस टाइम सारी डिगी पी है। कितना देखते हो कि तुम जिला लैवल के उपर भी पहले प्रोटेस्ट हुए थे पेट्रोल तो डीजल में लैके, हूँ तुम जिला लैवल पर किमें देखते है तो की राय है? तो ये सारा ना कोरोना महामारी के कारण ही जरा हो रहा है, सारा एक बार सारा काम ही लटका गया जी। एक बार कोरोना महामारी करके की है, लोग जानना चाहते हैं कि पेट्रोल तो डीजल के दाम क्यों वध रहे हैं, की कारण है, की कारण वध रहा है, लोगों ने भी तो तुम पूछना ही है सवाल। चलो कोई नहीं, वो बारे करदा अजे मैं तो संभालिया भरावा, 10 दिन होए ने, उस बाद करते हैं सारी सिस्टम तो बैठते हैं। फिरोजपुर से रतन लाल की रिपोर्ट, जनहितैषी।